So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. रात के बज रहे हैं 2 और हम बना रहे हैं मैंगो शेक, क्योंकि आज है वीकेंड और लास्ट वीकेंड जो ना गुड साइड जी मुझे इतनी बढ़िया जगह पर लेके गए थे, इतनी बढ़िया कि अगर आप वो आपने देख लिया ना तो आपका मन कर जाएगा कि हम भी चले जाएं। तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं वो कहाँ लेके गए थे। तो लेट्स गो। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट किसी अच्छी सी जगह पे, क्योंकि हम दोनों ही सुबह सुबह मतलब हमने नाश्ता नहीं करा और अभी 12:30 बज रहे हैं, थोड़ी लेट हो गई है। स्पेशल दिन है तो आज बाहर आराम से बढ़िया तरीके से खाएंगे। जैस्मिन जी से काम क्यों करा, मेरे से भी काम क्यों करा, मेरे लिए भी स्पेशल दिन है। चलो ठीक है। गाइस अगर आपको ये जानना है कि मैंने मेकअप किस तरीके से किया है तो मैं इसकी रील जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, यू कैन वॉच आउट एंड देख सकते हो, क्योंकि मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो है वो मैं डालती हूँ उस पर। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी हैंडल। मैं किसी डाउनटाउन के रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे अभी भी नहीं पता, तो चलते हैं सीधा। और डाउनटाउन हमारा जो किचनर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलो कौन सा है ये? इधर बढ़िया है, बहुत सुंदर था, फोटो में बहुत अच्छा लग रहा था। Okay. रोमांटिक। तो बहुत ही अच्छी चॉइस रखी है भाई। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? ये मतलब प्योर एंड सिंपल, सो आई लाइक का जो मेन्यू है ना, इसमें हर ही तरीके का खाना है। मतलब मैन गुरु साहिब जी को तो मेरे को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहिए कि इन्होंने इतना अच्छा जगह ढूंढी है। गुरु साहिब जी फिर आपने क्या लेना है? मैं सोच रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ये रहा हमारा टेम्पटिंग खाना। गुरु साहिब जी का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। क्या ही मंगा लिया आपने? मैंने मंगाया थिक टोस्ट, कुछ ज्यादा ही थिक है। नाइस। चलो एंजॉय करते हैं अभी नाश्ता और मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। जैस्मिन जी एंजॉय करनी है अपना खाना खुना, आलू उलू ब्रेड ब्रुड खाना शाना। अच्छा गाना, बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छी जगह है, मस्ट विजिट जगह। ये है प्योर प्योर एंड सिंपल, प्योर एंड सिंपल जगह का नाम है, वाटरलू डाउन में, वाटरलू डाउनटाउन में। अमेजिंग प्लेस। अगर आप आसपास रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ आना चाहते हैं ब्रेकफास्ट करने, दी बेस्ट प्लेस। सीरियसली खुश हुआ, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था। गुरुसाहब जी पहले कहते हैं लेके जा रहा सनसेट ग्रिल, क्योंकि वो हमारा हमेशा का जाने वाला होता है रेस्टोरेंट, हमेशा हम वहीं जाते हैं। मैंने कहा यहाँ तो है नहीं कोई सनसेट ग्रिल, एंड ही वाज लुकिंग एट मी कि मैं देख रही हूँ कि कहाँ है। देन इन्होंने ये बुक करा हुआ था, तो आई जस्ट लव। तो हमारा खाना पीना तो हो गया, अब हम बस बिल का वेट करें, और बिल भी हमारा आ चुका है। तो गुड, नॉट टू एक्सपेंसिव। ये लो, ओके पे। ब्रेकफास्ट हो गया तो हम चलते हैं टोरंटो घूमने फिरने, आज सारा दिन इस तरीके से स्पेंड करेंगे। सो लेट्स गो। चलो, दोनों टोरंटो के लिए निकल चुके हैं, बट गुरु साहिब जी को थोड़ी नींद आ रही होगी। रात को कितने बजे सोए थे? आपके बाद ही सो गया था। अरे मैं सोई थी 2 बजे, इतना मुझे याद है। राइट, जब इन्होंने सेलिब्रेशन वगैरह फिर उन्होंने लगा दी थी कोई मूवी, बहुत ऋतिक रोशन की, मेरे को तो नहीं देखती थी मूवी, देखने से मुझे रात को नींद आती है ना। मैं तो सोने जा रही हूँ। अब ये दोनों पता नहीं कब आया ऊपर, आई डोंट नो, आधे घंटे बाद ही आ गई मान लेती हूँ मैं। टोरंटो जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, लेकिन मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही थी क्योंकि मैं लेट थोड़ा सा सोया था। थोड़ा सा नहीं, रोज ही लेट सोते हो। थोड़ा सा लेट सोया था, मैं ज्यादा लेट नहीं सोया था, तो इसलिए फिलहाल जैस्मिन जी हेल्प कर रही है हमारी ड्राइव करके। अगर कोई इनसे पूछे थोड़ा सा लेट मतलब कितने बजे सोए थे, थोड़ा सा एस्टिमेशन हमें बता दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा। कैन यू प्लीज टेल? थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, पार्टी वूटी कर रहे थे, तो डिफरेंस होता है। कितने बजे पर? 2 बजे 2:30 बजे सो गया था मैं। 3:30 बजे सोए थे, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कुछ भी बोल रही है। बाकी हम टोरंटो की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे हमें 2-3 काम करने हैं, एंजॉय करना है, वहाँ चलते हैं। आपको फोटो खिंचानी है? हाँ, मुझे अपनी बर्थडे ड्रेस में फोटो खिंचवानी है। अभी 2-3 दिन पहले तो आप बोले थे हम बड़े हो गए हैं, कोई बर्थडे ड्रेस टाइप की कोई चीज नहीं होती। ऐसी चीज नहीं होती, पर फोटो तो खिंचवा सकते हैं ना। देखो मैं नॉर्मल ही घूम रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि वो ये डाला वो डाला, इट्स अ नॉर्मल डे फॉर अस। ओह माय गॉड,
एवरी डे इज अ बर्थडे, एवरी डे इज अ बर्थडे। इधर सामने आप सीएन टावर देख के समझ गए होंगे कि हम आ चुके हैं टोरंटो। यस, टोरंटो आ चुके हैं, टोरंटो आ चुके हैं और हम अभी आगे जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो बहुत ही सुंदर सी जगह है। पता नहीं वहाँ पे माहौल क्या होगा सही में। और मैं पहली बार टोरंटो में ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना जी लाइसेंस देना है, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। और हमें आज टोरंटो अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है। नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी चल रही है क्योंकि आज मंडे है ना, इसलिए सारे जॉब पे, और ऑफिस टाइमिंग भी नहीं है, 3:30-4 बजे हुए। हाँ, बस अब 5 बजे ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो जाएगा हर जगह, इधर उधर। गाइस यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, पता नहीं उस सामने वाले की गाड़ी की चेकिंग हो रही है, बेचारा बड़ा परेशान है। भाई एक एक वो जो जगह होती है ना सामान रखने की, हाँ। एक चीज चेक कर रहे, पता नहीं किस बात का शक होगा उसके ऊपर। सही बात है, पहली बार देखा मैंने ऐसे होते हुए। होता है ऐसा डाउनटाउन वगैरह एरिया में। आगे देखो गाइस, आप चेक करो जगह कितनी बढ़िया लगती है, ये बिल्डिंग आहा मजा आ जाता है। कंक्रीट जंगल, तो हमने सोचा थोड़ी ठंड डिनर करने से पहले कॉफ़ी हो जाए क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। हम बाहर गए थे, मैं तो बिना जैकेट के, तो सब भी हो गई। यू नो आउटफिट चेंजेस जैस्मिन जी का, मतलब मेरा, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करानी थी तो गुरसाहिब जी ने खैर वो कर दी है, थैंक्स टू हिम। बाकी अभी हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पर, थोड़ी सी मतलब पिक्चर वगैरह क्लिक कराने के लिए अच्छी जगह, वो आपके साथ शेयर करेंगे जब हम पहुँच जाएंगे। सो चलते हैं, आज धूप बहुत अच्छी है, मौसम इतना अच्छा, ठंड भी नहीं लग रही बाहर निकलते हुए, यही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मेरा बर्थडे हमेशा सर्दियों में होता है तो हमेशा ही मैं जैकेट कैप डाल के बाहर घूम रही होती हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट लग रहे हो गुरसाहिब जी, बहुत स्मार्ट। लगने की जरूरत थोड़ी होती है, स्मार्ट होना होता है, जो कि मैं हूँ थोड़ा सा। देखते हैं गुरसाहिब जी ने कहाँ डिनर बुक कराया है। ये चीज बड़ी बेकार लगती है, देखते हैं गुरसाहिब जी ने कहाँ, भाई कहीं भी कराओ आप एंजॉय करो। नहीं, मेरे को तो एंजॉय करना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लड़कियाँ जज करती हैं, वो चेक करती हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें कोई नंबर नहीं, बाहर से हमने कर दिया, वो अभी वहीं लेके जाएगी, सीधा बहुत ऊपर लेके जा रही है। सीरियसली थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा मजा आया, हमने ज्यादा शूट नहीं करा खाते बिकॉज हम बहुत ज्यादा बिजी थे बातें करने में, टाइम स्पेंड करने में। बट अगर आपको आज की पिक्चर्स चाहिए तो हम इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, वी हैव ऑल, तो वी विल पोस्ट इट देयर। सो बाकी मिलते हैं घर जाकर, सीधा जो व्यू है जिस जगह का वो आपको इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट। खाना भी कितना स्वाद था लेकिन कम था, ऑब्वियसली बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इतना इतना मिलते हैं जो, but it was good. Yeah, it overall was experience, good, like experience was good. One time for sure. और एक और बात हम आपको mention करना चाहेंगे, यहाँ पर जितनी भी पर यहाँ पर जितनी भी डिशेस थी वो $70 से स्टार्ट थी और जितनी भी ड्रिंक्स थी वो 30s हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा था बट हाँ वर्थ था। अगर आपको अपने किसी स्पेशल ओकेजन पे आना है तो आई मस्ट से यू शुड कम हेयर एंड एन्जॉय द वाइब। वाइब वॉज सो गुड, मतलब आई विल डेफिनेटली थैंक्स टू गुरसाहिब जी, आज का दिन इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब जिन जिन जगह पर ये मुझे लेके गई, मतलब आई वॉज लाइक दिस इज सो नाइस, फूड वॉज सो नाइस, सो
थैंक्स टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप खुश है तभी हम खुश है, वरना हमारी खुशी का फायदा क्या। बाकी हम घर जाके आपको मिलते हैं। सो चलो गाइस, हमारा मैंगो शेक तो रेडी हो गया है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो प्यारी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते ना, मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, फिर मैं एक दिन वीडियो का स्किप कर देती हूँ क्योंकि मजा ही नहीं आता। तो प्लीज बोला मत, मुझे मोटिवेट करते रहना ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।